रूपा गांगुली जुड़ चुकी हैं। रूपा गांगुली जी, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज पर। और पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि 2019 के बाद से मोहन भागवत का ये पांचवा दौरा है पश्चिम बंगाल का, गृह मंत्री के दौरे से पहले उनका दौरा, कितना जरूरी बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल में और कितना महत्वपूर्ण, क्या मायने? देखिए, मोहन भागवत जी की बड़ी कदर होती है पश्चिम बंगाल में, क्योंकि वो तो पॉलिटिक्स के ऊपर है। उनकी बातों से सब बड़े खुश रहते हैं। पिछले बार भी जब वो गए थे, सभी ने बड़ी तारीफ की उनकी बात सुनकर। लोगों को एक अजीब किस्म का खूबसूरत सा फीलिंग होता है। तो उनके जाने से और बीजेपी अध्यक्ष जी, अभी अध्यक्ष जी गए होकर आए हैं, अमित शाह भाई साहब जा रहे हैं, ये अलग है। मोहन जी के साथ पॉलिटिक्स के साथ मत जुड़िए। वो जो कहते हैं वो जन स्वार्थ के लिए है, वो कोई राजनीति के लिए नहीं है, वो इंसान के भले के लिए कहते हैं। उनकी बातों का अब ऐसे हम पॉलिटिक्स के साथ नहीं जोड़ सकते हैं जी। गृह मंत्री का जाना और वो भी उसके बाद दो दिन पहले, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के काफिले पर हमला हुआ, उसके बाद गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की, जो कि राज्यपाल ने रिपोर्ट भी भेजी कल, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया। ऐसे समय में ये कितना महत्वपूर्ण है, या ये एक बूस्टर की तरह काम करेगा बीजेपी को लेकर पश्चिम बंगाल में? देखिए, बीजेपी के लिए क्या होगा, कितना अच्छा होगा, वो तो खैर हम सभी जानते हैं। वो बहुत अहम नेता है और अमित भाई शाह जी का सब यहाँ पश्चिम बंगाल में बड़े कदर भी है। कार्यकर्ता लोग बहुत खुश रहते हैं उनको देखकर, उनसे मिलकर, और कड़क भी है। तो देखिए, एक चीज़ है पार्टी के लिए भला, और जो हमारा सदस्यों का जो उनको कहना है, समझाना है, वो तो अलग बात है। लेकिन होम मिनिस्टर जा रहे हैं, उनका अलग मायने है, इसलिए कि वो होम मिनिस्टर है। वो एटलीस्ट अगर जब लोगों को जाके पश्चिम बंगाल में कहेंगे कि होम मिनिस्टर सेंट्रल पर चिट्ठी लिख सकते हैं, उनके चिट्ठी के बावजूद भी वहाँ के चीफ सेक्रेटरी आने में मना कर देते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो सेंटर एंड स्टेट का पॉलिटिक्स के आधे से आधे लोगों को तो समझ में नहीं आती है। लोगों को समझ में इसलिए नहीं आती, उनको लगता है कि होम मिनिस्टर है, हमको यहाँ इतना मार खाना पड़ रहा है, हम क्या करें, अमित भाई साहब को बोलते हैं, वो कुछ नहीं करते। ये पावर जो है, ये अथॉरिटी जो है, वो जिम्मेदारी जो है, ये जनता तक वो ज़रूर पहुँचाएंगे। हमें उम्मीद है कि जनता को समझ में आएगा कि जब तक पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी से छुटकारा नहीं मिलेगा, तब तक जनता को जिंदा रहने का हक ही नहीं है लग रहा है। आप सिर्फ बीजेपी, टीएमसी, सीपीएम ये सब छोड़ दीजिए, आप जनता कहिए, जनता को जीने का हक है कि नहीं? आप मुझे बताइए, जनता को जीने का हक है कि नहीं पश्चिम बंगाल में? लेकिन टीएमसी के नेता ये कह रहे हैं कि हमारी पुलिस प्रशासन की जवाबदेही की जो जिम्मेदारी है, हमारा दायित्व है राज्य सरकार को, ना कि हम दिल्ली जाएं और वहां पर अपना वहां पर आंसरेबल हूं। वो सीधे तौर पर अभी भी हमलावर है टीएमसी। आप मुझे ये बता दीजिए, मैं वो लिस्ट जो उन्होंने कल निकाले थे, उसमें मैंने निकाला, देखा, 8 डेप्यूटी पुलिस सुपरिंटेंडेंट, 30 हायर ऑफिशियल्स, 40 रैफ, 145 कॉन्स्टेबल्स और 300 सिविक वॉलंटियर्स। अगर इतने लोग रहने के बावजूद अगर नड्डा जी के, राष्ट्रीय अध्यक्ष के गाड़ी के कफीले के ऊपर, कॉन्वॉय के ऊपर इस किस्म की खराब किस्म का घटना घटता है, पत्थरबाजी होता है, तो ये सारे पुलिस ऑफिसर्स आइदर ये झूठ बोल रहे हैं, नहीं तो ये नाकाम रहे, तो ये तो साबित होता है कि सारे लोग नाकाम रहे या किसी और की बात सुन रहे हैं। तो इसीलिए चीफ सेक्रेटरी से जवाब चाहिए था, और वो डीजी वगैरह कोई तो जा नहीं रहे, अभी जवाब देंगे क्या, क्या पता तो चलेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता, पुलिस तो खुद ही कह रहे हैं कि हम नाकाम रहे जी, क्योंकि इतने लोग डेप्यूटी थे उस दिन, फिर भी ऐसे घटना घटते।
एक बड़ी खबर इसी बीच आ रही है, आप बनी रहिए मेरे साथ रूपा जी, मैं आपके पास फिर से आऊंगी। बड़ी खबर यह कि ममता बनर्जी पर बीजेपी ने आरोप लगाए हैं। ममता बनर्जी राज्य में बीजेपी नेताओं पर ईंट बरसा रही हैं, ये कहना है महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर हमले की साजिश रची गई, ये भी कहा कैलाश विजयवर्गीय ने, हम ईंट का जवाब फूल से देंगे। कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि हम ईंट का जवाब फूल से देंगे, हम अपनी सहिष्णुता नहीं छोड़ेंगे, ये कहना है बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का। आपको यह भी बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले के पीछे, यानी उनकी गाड़ी के पीछे कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी थी, जिनके गाड़ी पर बहुत मोटा पत्थर फेंका गया और दिखाया भी गया, हमारे रिपोर्टर भी उनके साथ थे, जी न्यूज की संवाददाता वहां पर मौजूद थी और उनकी गाड़ी का कांच टूटा, उनके ड्राइवर को भी चोट आई और खुद जी न्यूज के साथ जुड़ने के बाद कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि कैसे पूरा घटनाक्रम हुआ और कितनी मुश्किल से वहां से पूरे काफिले को बाहर निकाला गया। तो ये बड़ा हमला कैलाश विजयवर्गीय ने, लेकिन ये कहते हुए कि ईंट का जवाब हम फूल से देंगे, हम अपनी सहिष्णुता नहीं छोड़ेंगे। रूपा गांगुली, क्या ये इतना आसान होगा? क्योंकि पश्चिम बंगाल को लेकर जो माहौल बना है, आप सोचिए ना कि तमाम शीर्ष नेतृत्व, बड़े चेहरे बीजेपी के पश्चिम बंगाल जा रहे हैं, क्या ईंट का जवाब फूल से आप दे पाएंगे? मैं आपको बताती हूं, हर एक इलाका में ना अगर 10,000 लोग रहते हैं तो गुंडे 10 ही रहते हैं। इस बार क्या हुआ है, वो 10,000 लोग ये 10 गुंडों से थकते 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 पागल हो चुके खुद ही, और पश्चिम बंगाल में ये चुपचाप वोट का ये एग्जाम्पल्स पहले भी रहा। लोग जब थक जाते ना तो वो खुद तय कर लेते, हमें सिर्फ इतना करना पड़ेगा, हम जो इलेक्शन कमीशन है, सेंटर है, स्टेट है, सब जगह पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक जाएंगे हम जी, गवर्नर तक तो हर दिन जाते, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक जाएंगे हम, और हम उनको ये बोलेंगे कि आप जितना हो सके सिक्योरिटी लगाइए पश्चिम बंगाल में, ताकि जनता हिम्मत करके वोट दे सके। जनता को अगर यही सवाल था मेरा, रूपा जी मेरे दो सवाल है इसी बात जो आप कह रही हैं उससे जुड़े हुए, और भी मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आप देख रहे हैं, मैं फौरन उनके पास आऊंगी। परिचय आप देख ही रहे हैं, करवा किसी के मोहताज नहीं है और सब जुड़े हुए हैं मेरे साथ। लेकिन रूपा जी, दो बातें इसमें, 120 से ज्यादा बीजेपी के कार्यकर्ताओं की, नेताओं की पश्चिम बंगाल में हत्या हो चुकी है। आप ये कह रहे हैं कि हमें जनता के बीच में जाकर उन्हें बस ये बताना है कि हम कितने सहिष्णु हैं, और साथ ही हम उन्हें ये आश्वासन देंगे, इस बात को लेकर आश्वस्त करेंगे कि वो माहौल अब पश्चिम बंगाल की जनता को मिलेगा जो अब से पहले नहीं था। लेकिन अभी बड़ी चुनौती आप लोग के लिए तो निष्पक्ष चुनाव कराने की है ना, वो कैसे आप लोग करा पाएंगे, उसको लेकर कैसे आश्वासन और आश्वस्त कर पाएंगे आप पश्चिम बंगाल की जनता को? देखिए, अगर जिस किस्म की ईटा मारा गया था 2016 में, वैसा ही मुझे भी मिला था। क्या आपने मुझे असहिष्णु देखा? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हम कोई नहीं चाहते कि कोई मरे, हम ये भी नहीं चाहते कि कोई टीएमसी के लोग भी मरे, हम ये भी नहीं चाहते कि सीपीएम के लोग भी मरे, कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई पार्टी से जुड़े हुए नहीं जुड़े हुए, कोई ना मरे। पॉलिटिक्स का काम नहीं है कि किसी को मारना, पॉलिटिक्स का काम, राजनीति का काम है कि लोगों को अच्छे से जिंदा रहने की तरीके सिखाना और उनको जिंदा रहने का पूरा माहौल बना के देना, ताकि वो जिंदा भी रहे और बढ़े फूले फले। तो ये हम असहिष्णु है, हुए क्या? आपने हमको देखा कभी पत्थर मारने के लिए उल्टा? मैंने मारा तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बहुत दुख झेल रहे हैं, बहुत साथ दे रहे हैं, हम सबके आभारी हैं, हम एक दूसरे के साथ परिवार की तरह जीते हैं, हम सब झेल रहे हैं ये। लेकिन ये झेलना किस लिए है? ये झेलना इसलिए है कि 10 करोड़ जनता की भाग्य यहां लिखा हुआ है 2021 में। अब 10 करोड़ जनता की भाग्य सोचिए, अब सब दुख भूल जाएंगे, आपको लगेगा कि चलो ठीक है, हम बलिदान दिए हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.